हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फाइव मेंबर रिंग, सिक्स मेंबर रिंग डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें पायरोल, इंडोल, फ्यूरेन फाइव मेंबर रिंग थे, और सिक्स मेंबर रिंग में हमने पायरिडिन पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड, उनके मैकेनिज्म, ये सब हमने डिटेल में लिया। ठीक इसी तरह से हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि कंडेंस रिंग स्ट्रक्चर का लगेगा, कंडेंस रिंग टाइप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये भी। एग्जांपल है इंडोल। इंडोल एक इस तरह का ही है जिसमें दो रिंग एक साथ जॉइंट हैं, एक तो बेंजीन है और एक है पायरोल, इसलिए इसका नाम बेंजो पायरोल भी कहते हैं। इंडोल का दूसरा नाम बेंजो पायरोल और बेंजाजोल भी कहते हैं, बेंजाजोल। तो ये जो कंडेंस टाइप है इसकी भी नेचर ठीक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड वाली नेचर है, इसमें भी एरोमेटिसिटी करेक्टर हैं, इसमें भी हकल रूल फॉलो हो रहा है, सेम क्राइटेरिया इसके लिए रहेगा। हमने इसका एरोमेटिसिटी भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, इनकी प्रिपरेशन मेथड भी वही का वो तरीका है, वैसा ही केमिकल प्रॉपर्टी और वैसा ही मैकेनिज्म। इसमें मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मैकेनिज्म तो हम इसमें प्रिपरेशन मेथड में भी मैकेनिज्म बहुत यूजफुल है। तो स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर इंडोल, मींस जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऐसे इसकी कौन कौन सी ऐसे मेथड्स रहेंगे जो जनरली हम यूज़ में लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए स्पेशल जो मेथड है जो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर वन मेथड है फिशर इंडोल सिंथेसिस। साइंटिस्ट फिशर के नाम से है, फिशर इंडोल सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट मेथड है मेडलंग सिंथेसिस। मेडलंग भी एक तरह से साइंटिस्ट नेम है, मेडलंग सिंथेसिस रहेगा। नेक्स्ट है रिसर्च सिंथेसिस। तो हमारे लिए तीन काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है जिनसे हम इंडोल को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिशर से। फिशर इंडोल सिंथेसिस में क्या इसके रॉ मटेरियल होंगे, इस सिंथेसिस में हम क्या लेंगे? एसीटोन लेकर और उसको फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो एक इसमें स्पेशल कंपाउंड ए बनता है। ए कंपाउंड जो है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा। एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन की एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन बनता है, एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन यूँ भी कह सकते हैं। तो वो जो मेथड है वो हमने ए कह दिया। तो स्टूडेंट, ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक को आप अच्छी तरह समझें। फॉर एग्जाम्पल, हम एसीटोन का फॉर्मूला को यहाँ पर एक बार के लिए जज कर लें। दिस इज एसीटोन, नो डाउट आप यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। एसीटोन को फेनिल हाइड्रोजन से, फेनिल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला ये है, और इस ग्रुप के साथ फेनिल ग्रुप लगा दिया जाए, ए आर लगा दो एक बार के लिए, रिंग है ये, फेनिल हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो बना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ए। जो ए है उसको हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करा देते हैं, हीट करते हैं, तो इसका इंडोल, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बन जाता है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड इंडोल यहाँ पर गेन होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हमें क्या क्या रॉ मटेरियल लेना चाहिए, किस तरह से हम उसको हीट करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल टॉपिक है। फिशर इंडोल सिंथेसिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम, तो इसलिए इसका मैकेनिज्म एक स्पेशल टॉपिक मान कर चल रहे हैं, इसका मैकेनिज्म भी हमें पढ़ना है। तो हमने ए क्या लिखा, ए इज एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन। इफ दिस एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज हीटेड, वील गेट इंडोल एज ए मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड इंडोल, तो वो बन गया वाले। अब इसका हम एक बार के लिए मैकेनिज्म मैंने यहाँ लिखा था, दिस इज एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन, ये वो फॉर्मूला जो हमने ए लिखा है। तो हम इसका मैकेनिज्म की बात करके चलते हैं, मैकेनिज्म में अब क्या क्या रोल रहेगा, मैकेनिज्म का स्टेप्स थ्रू विच
रिएक्शन प्रोसीड। तो ये हमारे लिए क्या है, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। इसको हम टोटोमेराइज करेंगे। टोटोमेराइज में हमेशा ध्यान रखो अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं, और टोटोमेराइज में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को मैं एक हाइड्रोजन को एक अलग से कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन आउट हो जाए एक बार के लिए, फिर बाद में ये आउट होकर और ये अटैच हो जाएगा, इसी को हम टोटोमर कहते हैं। टोटोमर देखो ये यहाँ से शिफ्ट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ था, हाइड्रोजन दिस रिलीज्ड हाइड्रोजन शिफ्ट ऑन नाइट्रोजन, इसको मैंने लिख कर रखा ए। आपको भी यही ध्यान रखना है, ए को आपको बनाना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कि ए क्या बनेगा। तो जो चेंज हुआ है पहले तो आप उसको देख लें, और जो चेंज नहीं हुआ उसको एज इट इज लिख लें। यहाँ पर कोई चेंज, नो चेंज। यहाँ पर आपको चेंज हुआ क्या नाइट्रोजन पर, यस चेंज हुआ, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। अब ये देखा जाए ये सिंगल बॉन्ड रह गया है, और यहाँ पर ये सी है, और इधर सी एस थ्री है, और इधर भी बॉन्ड डबल हो चुका है, सी एस टू बन चुका है। दिस विल बी द चेंज, यहाँ पर सी एस टू डबल बॉन्ड के साथ बन गया, सी एस थ्री एज इट इज है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ए इंटरमीडिएट बन चुका है ए। तो ए मैंने आपको रूट चार्ट बनाया था कि ए लिख लें और फिर उसकी प्रैक्टिस में डालें। टोटोमराइजेशन आप इजीली समझ सकते हैं, पाई बॉन्ड के साथ जब कोई एटम शिफ्ट हो जाए हो तो उसको हम टोटोमराइजेशन कहते हैं। पाई बॉन्ड देखो रेजोनेंस भी कह सकते हैं, रेजोनेंस विथ शिफ्टिंग ऑफ एन एटम और ग्रुप, स्मॉल एटम और ग्रुप को शिफ्ट हो सकता है। तो देखें अब यह ध्यान कर, ये एसिड की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये लोन पेयर यहाँ पर है, तो ये इजीली यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये बन गया बी। बी में आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सी एस थ्री, सॉरी पहले ऐसा बना लें, रिंग बनाएं, रिंग को एज इट इज बना दें, येलो रिंग। यहाँ पर क्या है सी एच है, एज इट इज है। यहाँ पर क्या है सी एस टू हो जाएगा आपके, और ये देखो सी, और ये देखो डबल बॉन्ड के साथ सी एस टू, और ये देखो यहाँ पर सी एस थ्री। तो ये हमारे लिए इंटरमीडिएट बना बी। बी इंटरमीडिएट बनने के बाद यहाँ पर अब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सोचनी है कि ये जो पॉजिटिव बन चुका है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वैलेंसी लिए हुए है, दिस बिकम पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लेकर यहाँ पर पहुँचा था। तो ये अब यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैंने लिख रखा है, इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को अपने को समझना है। इस रीअरेंजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो NH2 पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये NH2 पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से ब्रेकेज को शो करेगा, ब्रेक होगा, दिस अंडरगो ब्रेकेज। तो कैसा होगा देखें, ध्यान से सुने। तो ये वाला जो कंडीशन है इसको इस तरह से समझ लें कि ये बॉन्ड ब्रेक हो, जब बॉन्ड ब्रेक हो तो इसको आप यूं समझ लें कि ये यहाँ से हटना ज़रूरी है, ब्रेक होगा। क्यों होगा ब्रेक, वैलेंसी इसकी ज़्यादा है तो ये ब्रेक होगा 100%। तो ये यहाँ शिफ्ट हो गए और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो पाई, ये दिस इज प्रॉपर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स, इस तरह से रीअरेंजमेंट होगा। तो ये बनेगा सी, और रीअरेंजमेंट बनने का जो सी बना है उसको मैं एक बार के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में हम इसका टोटोमराइजेशन कर देंगे। तो देखो जरा ध्यान दें, ये तो बना हमारे पास रिंग एज इट इज़, और इस रिंग में कोई चेंज हुआ है तो उसको चेंज को लिख देंगे, ये चेंज दिख रहा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने के चांसेस है, एन एच बन गया है, और ये इधर से एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर सी एस टू के बीच बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, और ये सी एस थ्री एज इट इज़ है, और ये हमारे सामने NH2 बन गया है, NH2, और ये वापस से पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इस पर, इट विल गेन अगेन पॉजिटिव चार्ज। तो ये एज इट इज़ हमारे पास रिंग का एक यहाँ से जॉइनिंग स्टार्ट हो चुका है, CH2 यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब ये CH2 अटैच हुआ है, इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फिर वापस आ रहा है कि यहाँ पर अब हमें समझना है टोटोमेरिज्म, इसको टोटोमेरिज्म लेकर चलेंगे। तो इसमें किस तरह से टोटोमेरिज्म होगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तो ये एक बार के लिए NH2 ग्रुप सेपरेट हो गया, और सेपरेट होने के बाद इसमें फिर टोटोमेरिज्म कैसे होगा, तो ध्यान से यही समझना अपने को कि ये जो H है यहाँ पर,
एक एच है, ये एच टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगी। ये एच टोटोमेरिज्म में कैसे पार्टिसिपेट करेगी, यहाँ से वो का वो पॉइंट, ये एक बार के लिए एच आउट हुआ और आउट हुआ तो ये बॉन्ड फ्री हुए और ये यहाँ आया, ये यहाँ आया और ये एच यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड के साथ एच एटम शिफ्ट हो गया है, इसको हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। और डी क्या बनेगा वो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। डी क्या बना होगा एक बार के लिए देखें, समझें डी क्या बना होगा। यहाँ तो बॉन्ड डबल बन बन चुका है, ये डबल बॉन्ड है ये है, और यहाँ पर ये NH2 बन चुका है, एच यहाँ से आकर यहाँ पर अटैच हो गया। और ये देखा जाए तो ये CH2 है और ये C, दिस इज CH3, और यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है कोई चेंज यहाँ पर नहीं दिख रहा है NH2 पर, और एज इट इज पॉजिटिव है। केवल टोटोमेरिज्म इस पार्ट में हुआ है। टोटोमेरिज्म में मैंने बताया कि पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे और साथ के साथ एक एटम शिफ्ट हो गया है, टोटोमेरिज्म हो गया। तो इस टोटोमेरिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ है कि हमारे लिए यहाँ से रिंग अटैच हो चुकी है और डबल बॉन्ड रिंग में बन चुका है। इस टोटोमेरिज्म का बेनिफिट ये मिला कि इसमें एरोमेटिसिटी वापस से इससे जनरेट हो गई है। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो एच है, ये एच यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये एच रिमूव होने पर अब क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये एच रिमूव हो जाए तो ये एच रिमूव हुआ, देखो इस सेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, ये एच रिमूव हुआ तो यहाँ पर कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव आया होगा। और देखो इसको अगर यहाँ पर यू शिफ्ट कर दिया जाए और यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो ये अटैचमेंट हुआ यहाँ पर, देखें ज़रा ये अटैचमेंट हुआ रिंग फॉर्मेशन हुआ। ये तो बन गया NH और यहाँ पर ये बना C के साथ, ये NH2 रह गया है और ये CH3 है ही, और ये हमारे लिए CH2 था जो बीच में है, और ये वाली कंडीशन यहाँ से अटैचमेंट हो गया है क्योंकि ये जो H निकला है तो ये नेगेटिव है, इस C पर पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल हो गया, तो ये न्यूट्रल तो यहाँ दिख रहा है। इसके बाद अगर हम देखें, देखो अब ये एक तरह से रिंग फॉर्मेशन हो गया, पाइरोल रिंग यहाँ पर बन चुकी है। अब हमारे लिए क्या होगा, इसको यदि हीट कर दिया जाए तो NH3 आउट होगा। NH3 कैसे आउट होगा, यहाँ से देखो ये तो H2 और ये H, NH2 और ये H, NH2 और H यहाँ पर रिलीज हो जाए। तो इस तरह से ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक रिंग जो कि पाइरोल है, ये तो CH2 है ही और ये हमारे पास C है ही, और ये N के साथ H गायब हो गया है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया है। किस किस के बीच में, इस इन दोनों के बीच में, यहाँ N और ये देखो CH2 है ये हमारे सामने, और CH2 सॉरी ये H नहीं होगा, ये H तो एज इट इज, इसका CH2 और इसका H, ये NH3 आया हुआ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकता है, ये CH3 बन गया और ये H एज इट इज। तो इस तरह से ये हमारे लिए जो रिंग H है वो तो एज इट इज है, ये इंडोल फॉर्मेशन हो गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडोल, ये H और ये NH2, तो ये NH3 आउट हो गया, यहाँ पर क्या रह गया, केवल H रह गया, ये CH3 एज इट इज है, ये CH3 यहाँ से न लिखकर ये CH3 यहाँ है एक्चुअली में, ये वाला हाँ सही है, बिल्कुल सही है CH3 ये। तो इसका मतलब ये हमारे मिथाइल सब्सटीट्यूटेड इंडोल बन चुका, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड इंडोल, एवरीवेयर बैलेंस इज कंप्लीट एज इट इज़। तो स्टूडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, एंड दिस इज द क्राइटेरिया ओनली टू डिस्कस अप टू डिस्कस द मैकेनिज्म, जिसमें हमें दो ही चीज़ का ध्यान रखना है, टोटोमेरिज्म वर्ड आ गया और एक रीअरेंजमेंट आएगा। तो ऐसा कैसे, ये दो मेथड हैं, इन दोनों मेथड पर भी ये चीज़ अप्लाई होगी। इस मेथड में मेडुलिंग सिंथेसिस में क्या रहता है, ऑर्थो फॉर्मामिडो टोलुइन को पोटेशियम टर्सी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो इंडोल फॉर्मेशन होता है। वापस सुने, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन ऑर्थो फॉर्मामिडो टोलुइन इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम टर्सी ब्यूटोक्साइड इट विल गिव 100% इंडोल, इंडोल बनेगा
प्लेन इंडोल बनेगा, कोई मिथाइल सल्फेट नहीं बनेगा। और इसके जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के पार्ट बिल्कुल एज इट इज ही होंगे, जिसमें टोटोमेरिज्म भी होगा और रीअरेंजमेंट भी होगा। इस तरह से आप ये जब एक मैकेनिज्म हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक इन पर भी ये अप्लाई होगा, ये सेम मैकेनिज्म। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम क्लियर होगा। और यदि आपको कोई डाउट रहे तो आप मेरे से एकदम व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है रिसर्च सिंथेसिस। इस रिसर्च सिंथेसिस में क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन को, ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन इज ट्रीटेड विद मिथाइल ऑक्सलेट, इसको सिंपल हीट करते हैं तो भी यहाँ पर भी इंडोल फॉर्मेशन होता है। और जब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म के सिंपल स्टेप्स होंगे टोटोमेरिज्म और रीअरेंजमेंट। तो ये इसको आप पैटर्न बना लें और इन पर आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि पैटर्न ये रहेगा, प्रैक्टिस इन पर हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये जो इसका प्रिपरेशन पार्ट है वो बहुत ही आसान और अच्छे तरह से कर सकते हैं, जिससे कि हम कभी रटना भी नहीं पड़े। बस अपने को ये मैकेनिज्म में जो जो नोटेशन है, एरो नोटेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरो नोटेशन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या मैकेनिज्म के लिए सबसे यूजफुल है। इतना ही आज अपन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।